हाल ही में कॉफी विद करण के आखिरी एपिसोड में ओरहान अवात्रा मणि यानी कि ऑरी गेस्ट बनकर पहुंचे। ऑरी पेपराजी के फेवरेट बन चुके हैं। कोई भी हाई फाइव पार्टी हो ऑरी नजर आते हैं। हालांकि हर कोई ये जानना चाहता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ था कि वो इतने फेमस हो गए, जिसका जवाब खुद ऑरी ने दिया है। उनका कहना है कि उन्हें फेमस बनाने के पीछे बोनी कपूर का हाथ है। करण जौहर ने पूछा कि ब्रांड ऑरी की शुरुआत कैसे हुई, जिसका जवाब देते हुए ऑरी ने कहा, इसका ब्लेम बोनी कपूर को जाता है। पहली बार मुझे लाइमलाइट दिलाना बोनी कपूर की गलती है। वो बताते हैं, मैं उनकी बेटी की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। जैसे ही गेट से अंदर आया, सारा मीडिया ऑरी ऑरी चिल्लाने लगा। बोनी अंकल जेंटलमैन है, वो मुझे लेने के लिए नीचे आए। मैंने बोला, बोनी अंकल वो लोग मेरा नाम चिल्ला रहे हैं, तो वो कहते हैं क्या तुमने पोज किया? मैंने बोला नहीं। वो मेरा हाथ पकड़ कर ले गए और मीडिया की तरफ छोड़कर बोले, ये ऑरी है, इसका फोटो ले लो, मेरा बच्चा है। मीडिया ने मुझे घेर लिया, तब मुझे ये सब समझ आया। माचिस हमेशा वहाँ थी, गन पाउडर भी था, बस बोनी कपूर ने उसमें आग लगा दी। इस दौरान ऑरी ने काजोल को लेकर भी बात की। उन्होंने बताया कि एक बार काजोल ने उनके साथ फोटो खिंचवाने से मना कर दिया था। वो कहते हैं, मैंने पहली नौकरी न्यूयॉर्क के कॉलेज में की थी। मैं चिल्ड्रेन शुड वॉश देयर हैंड्स कॉन्फ्रेंस में अटेंडेंट की पोजीशन में था। हालांकि ज्यादातर लोगों को इस बारे में नहीं पता है, मैं काजोल का अटेंडेंट नंबर 3 पर था। उन्हें शायद इस बारे में पता नहीं। ये 2013 में शायद द पियरी में हुआ था। वो स्पीच दे रही थी और मैंने उनकी सिक्योरिटी टीम से फोटो खिंचवाने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। जिसके बाद करण कहते हैं, उन्हें पता भी नहीं होगा, सालों बाद एक दिन आप उन्हीं की बेटी के साथ लाखों फोटो में नजर आएंगे। जिस पर ऑरी कहते हैं, जिंदगी सही में फुल सर्कल लेती है। मैं निशा को अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूं और उनसे प्यार करता हूं। अपनी जिंदगी से जुड़ा किस्सा बताते हुए ऑरी कहते हैं, उनकी तरह दिखने वाले उनके कार्बन कॉपी उनकी गैर मौजूदगी में अलग अलग इवेंट्स में मौजूद होते हैं। उनका कहना है कि हमारे कई कार्बन कॉपी हैं, जो इवेंट में तब तक बने रहते हैं जब तक मैं वहां पहुंच ना जाऊं। ऑरी की तरह दिखने वाला किसी इवेंट में होगा और आपको पहले 20 मिनट तक यही लगेगा कि वो मैं हूं, जब तक कि मैं नरीमत पॉइंट से लेकर बीकेसी तक ना पहुंचूं। हम सभी एक ही तरह के कपड़े पहने होते हैं, हमारे लुक एक जैसे होते हैं। वो कुछ बात नहीं करते, क्योंकि जैसे ही उन्होंने बात की तो सब कुछ साफ हो जाएगा। ऑरी की ये बातें सुनकर यूजर के साथ साथ खुद करण जौहर भी चौंक गए। क्या आपने भी ऑरी के कार्बन कॉपी की कोई वीडियो देखी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।